हेलो। हेलो हेलो हाँ जी। नमस्ते सर, आलोक बोल रहा हूँ। लास्ट वीक आपसे मैंने बात किया था ट्यूसडे को ही, तो यही आईबीएफ गया है फैसिलिटी के लिए। तो अभी आप फ्री हैं सर? मतलब मैं तो फिर मैं अभी खाना बना रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद कर लो, आधे घंटे तक, साढ़े अच्छा ठीक है, मतलब 5:45 आधे तक घंटे अप्रोक्सीमेटली करूँ? कर लो। मैं पहले फ्री हो गया तो मैं कॉल कर लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, वही मुझे फीडबैक ही देना था तो हाँ इसीलिए बता वही दीजिए मैंने बता कहा। दीजिए, 2-4 मिनट की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सिर्फ नहीं कोई नाम बात से ही नहीं, बताइए बता। बताइए, मैंने बंद कर दिया। अरे नहीं सर, आप अपने काम कर लीजिए सर, मुझे अरे कोई लंबी बात बात नहीं। करनी है मुझे अच्छा अच्छा आपसे, क्योंकि चलिए ठीक मतलब है काफी इम्प्रेस हूँ सर मतलब आपके उससे, तो इसलिए ठीक है। मतलब काफी ज्यादा मतलब मुझे आपको थैंक यू बोलना होगा, बहुत कुछ करना होगा। थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है मैं करता ठीक हूँ। ओके थैंक यू। है सर, तो मैं 5:40 पे कर दूँ आपको? ठीक है ठीक हाँ 5:45 पे मैं कर है। दूंगा, हाँ ठीक जी है सर। ओके थैंक यू। सनी हाँ सर, जी बताइए। सर अगर याद होगा आपको, मैंने लास्ट ट्यूसडे आपको कॉल किया था, तो इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, और वही मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ आपका लास्ट मतलब मंडे की नाइट में देखा था, और सिर्फ 8 बजे ब्रेकफास्ट लिया था, और दोपहर में बस टाइमली जो है मैंने 2 बजे खाना खाया था, और उसके साथ में बस पानी पिया था। तो फिर आपने मुझसे पूछा था कि आपने मुझे इनफैक्ट बताया भी था कि काफी मतलब इसमें अभी 1 वीक तक आप यही करो, प्रॉपर खाने के साथ ही पानी लो, बाकी फिर बीच में पानी वानी नहीं लेना। तो सर मैं वही फीडबैक बता रहा हूँ कि मुझे डकार सर बहुत आती थी, मतलब इतनी ज्यादा आती थी कि मैं अगर यहाँ से डकारू तो करीब 40-50 मीटर तक वो आवाज जाती थी, अगर कोई आदमी जा रहा है तो वो पीछे पलट के जरूर देखता था। तो सर 1 हफ्ते तक सर मुझे डकार मतलब बिल्कुल नहीं आई, मतलब मैं ये कहूंगा कि आती तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो इतनी आवाज उसकी कम रहती थी कि मतलब मुझे ही बस सुनाई देती थी और किसी को नहीं सुनाई देती थी। और इस 7 दिन में मैं 3 दिन जैसे मैं बाहर कभी, क्योंकि शादी का सीजन था सर, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर भी खाया था मतलब रात में, तो वो थोड़ा ज्यादा जैसे मतलब स्पाइसी हो गया है उसके कारण, तो उसके कारण थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट लगा। बाकी मैंने जब ये वॉक एंड रेस्ट कर लेता था, 5 मिनट रेस्ट 5 मिनट वॉक, आपने बोला था सर स्प्रिट सेशन में कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन किसमें? फिर मैंने मतलब आपने ये नहीं बोला था कि 5 मिनट आप वॉक करो और उसके बाद फिर आप आधा घंटा लेट जाओ और फिर 5 मिनट वॉक करो और फिर ऐसे करके करो। तो मैं सर ऐसे करता था, 3 दिन मैंने किया, लेकिन मुझे क्या ना उसमें थोड़ा मुझे ये लगा कि मुझे नींद मेरी मतलब पूरी नहीं हो पाती थी। तो फिर मैं 4थे दिन से फिर मैं वही 5 मिनट वॉक एंड 5 मिनट रेस्ट 5 मिनट वॉक एंड 5 मिनट रेस्ट, तो इस तरीके से मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बीच में थोड़ा सा मतलब सर भारी भारी लगता था, ये अदरवाइज एकदम सही रहता था। और सर एक फीडबैक ये थी कि भूख भी मेरी बढ़ गई है, मतलब मैं मीठा भी खाता ही हूँ लड्डू। मैंने अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि मैं 2 2 लड्डू तो मतलब खाता ही हूँ और 3-4 रोटी भी खा लेता हूँ, तो वही सारी चीज है। तो सर मैं वो तो ये कहूंगा कि सर आपकी जो ये मेडिसिन है मतलब, अब मैं तो ये बोलूंगा कि अगर मुझे अगर आपको नोबेल पुरस्कार देना होता तो मैं आपको जरूर दे देता, क्योंकि मतलब सर ऐसा है कि आप बिलीव नहीं करोगे, 2013 से मतलब मैं परेशान हूँ, और एलोपैथी दिखा लिया, होम्योपैथी दिखा लिया, और ये विश्वरूप रॉय चौधरी का भी प्रोटोकॉल फॉलो किया 1.5-2 महीना, लेकिन सर जितना इंस्टेंट मतलब वो तो मैंने आपको, मुझे उम्मीद उसी दिन से लग गई थी जब मैंने आपको लास्ट ट्यूजडे कॉल किया था, करीब इसी टाइम पे 4:30 5:45 बजे, तो उसी समय मुझे उसी दिन ही समझ में आ गया था कि यार मुझे डकार नहीं आई, नकार नहीं आई, तो इसका मतलब है कि अच्छा गैस जो मेरी फॉर्म होती है तो वो नीचे से पास हो जाती है, मतलब ऐसा है कि अगर मैं दिन भर में अगर मैं 15 बार अगर वॉक एंड रेस्ट कर लूं पूरे मतलब 12 घंटे में, तो गैस इनफैक्ट मतलब काफी रिलीज हो जाती है। लेकिन सर मेरे साथ प्रॉब्लम एक क्या है कि थोड़ा ओवर ईटिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मैं मीठा भी खा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट में भी मीठा, लंच में भी मीठा, और
रात में भी उठा तो और खाना भी ज्यादा खा लेता हूँ तो वही थोड़ा सा गैस मेरे फॉर्म होती है तो वो जस्ट हल्का सा भारीपन रहता है नहीं अदरवाइज वो भी मैं अगर 5 मिनट वॉक एंड रेस्ट कर दूं 6 बार तो वो पेट एकदम ना हल्का हो जाता है और आपने एक वीडियो में बताया भी था कि वो इंटेस्टाइन मतलब प्रॉपर जो डाइजेशन होती है वो अपने आप ही मूवमेंट होता है तो एग्जैक्टली सेम वैसा ही हो रहा है जैसा है मतलब वो मुझे मतलब ये लगता है कि हाँ मुझे सिर्फ भूख लग जाती है मैं 8 बजे बस एक दिन क्या हुआ था सर कि 10:30 एक्चुअली क्या हुआ था कि एक दिन फास्ट था मेरा एकादशी का तो उस दिन थोड़ा नहाने धोने में लेट हो गया और खाना नाश्ता बनने में भी तो वो तो फास्ट का ही बनना था तो एक दिन मतलब मैंने 10:30 बजे लिया फिर लंच भी 3:30 बजे लिया और डिनर मैंने तो जल्दी कर लिया था वही 8-9 के करीब ही लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि उस दिन जो था उस दिन थोड़ी सी मुझे डकार आई थी वो भी मतलब बहुत हल्की मतलब ऐसा हुआ था कि आवाज तो बहुत कम इंटेंसिटी उस आवाज की डकार की बहुत कम थी तो सर मतलब मुझे तो मतलब काफी मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरी डकार के जैसे मैं ये कह लूँ कि 100% हो गया है मतलब एकदम 100 में लगा एटलीस्ट 90% मतलब सर सही हो गया है बाकी बाउल का जो मूवमेंट है मतलब वो स्टूल का तो वो सर ऐसा है कि प्रॉपर मतलब जैसे आपने बोला ना कि मॉर्निंग में उठो तो फिर 3 बार वॉक एंड रेस्ट करिए एंड देन तो वो प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 7:30 बजे है तो मतलब प्रॉपर वो टाइमली आता है वो नहीं होता है बाकी लेकिन दिन में बस एक बार आता है 11-12 बजे तक 10-10:30 के मतलब 11 के पहले आ जाएगा प्रेशर बन जाएगा तो और बढ़िया होता है मतलब कोई मतलब सर में ऐसा कुछ वो नहीं होता कि अरे पेट नहीं साफ हुआ ये नहीं हुआ तो वैसा कुछ मतलब टाइमिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो टाइमिंग नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल और बल्कि एक आधा दिन मिस भी हो जाए तो उसका भी कोई सीरियसली मतलब क्योंकि उसमें गैस सर में नहीं चढ़ती तो डिस्कम्फर्ट कोई नहीं होता उससे एक दो दिन भी मिस हो जाए तो कोई इशू नहीं है नहीं मेरा स्टूल सर मतलब वैसे पहले भी मुझे होता था तो बस ये था कि लेट होगा कभी वो होगा लेकिन वैसे मतलब जैसे ये होता था ना क्या अभी मोशन नहीं हुआ चलो आपको एक और चीज बताता हूँ मैं आपको अल्टीमेट चीज बताता हूँ उसमें आपको 24 घंटे 36 घंटे में बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर आप यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर हेल्थ फर्दर आपका वेट कितना है सर वेट ही मेरा कम है मेरा वेट अभी एट प्रेजेंट 57.5 या 58 लमसम हो गया सर और हाइट कितनी है हाइट 172.5'8". ओके तो कोई बात नहीं वेट तो दो चार पांच किलो बढ़ना है वो बढ़ जाएगा 2-3 महीने के बाद अपने आप से बढ़ने दो अभी तो हो सकता है कम भी हो 1-2 किलो हाँ आपने मुझे ये भी बताया था लेकिन सर क्या है ना मैं मीठा खा रहा हूँ तो मैंने अभी ये ऑब्जर्व किया है कि 300-300 ग्राम मेरा बढ़ भी है वेट ओके हाँ कई बार बढ़ भी सकता है इसमें क्योंकि आपको शायद प्रॉब्लम ज्यादा नहीं थी सर प्रॉब्लम तो मुझे सर मतलब आप मतलब इतनी प्रॉब्लम थी कि मतलब जो ना कि ऐसा लग रहा था कि यार कभी कभी लग रहा था कि अब यार लग रहा है ठीक ही नहीं होगा क्या इसीलिए सर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं सर मैं वैक्सीन रहता हूँ वैक्सीन में गुड़गांव में हूँ काम यही करता हूँ तो मैं सर आऊंगा गुड़गांव में सर मैं नौकरी करता हूँ ENY कंपनी में और गुड़गांव अर्नेस्ट एंड यंग एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हाँ ईवाई में बिग फोर बिग फोर